उमरा यात्रा का पुलिस वेरिफिकेशन कराने पहुंची एक महिला की दरोगा की सरकारी पिस्टल की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है महिला पुलिस वेरिफिकेशन कराने गई हुई थी, दरोगा पिस्टल को कॉक कर रहे थे तभी उनके सिर के नीचे माथे में वह गोली जा लगी। महिला का गंभीर रूप से महिला घायल हो चुकी है। जैन मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज कर रहा है। जब इस डॉक्टर के पैनल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि महिला की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनी हुई है। 16 से 22 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकेगा कि महिला खतरे से बाहर है कि नहीं। जब इस मामले में SSP कलानिधि नैथानी से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो दरोगा है वो 3 महीने पहले ही आगरा से अलीगढ़ आए थे, आमद कराए, तो उनको भोजपुरा चौकी इंचार्ज नियुक्त किया गया था। फिलहाल उनको निलंबित कर दिया गया है। SSP का कहना है कि अगर तैयारी आती है तो उस आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह। उमरा यात्रा का पुलिस वेरिफिकेशन कराने पहुंची एक महिला की दरोगा की सरकारी पिस्टल की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है महिला पुलिस वेरिफिकेशन कराने गई हुई थी, दरोगा पिस्टल को कॉक कर रहे थे तभी उनके सिर के नीचे माथे में वह गोली जा लगी। महिला का गंभीर रूप से महिला घायल हो चुकी है। जैन मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज कर रहा है। जब इस डॉक्टर के पैनल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि महिला की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनी हुई है। 16 से 22 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकेगा कि महिला खतरे से बाहर है कि नहीं। जब इस मामले में SSP कलानिधि नैथानी से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो दरोगा है वो 3 महीने पहले ही आगरा से अलीगढ़ आए थे, आमद कराए, तो उनको भोजपुरा चौकी इंचार्ज नियुक्त किया गया था। फिलहाल उनको निलंबित कर दिया गया है। SSP का कहना है कि अगर तैयारी आती है तो उस आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह। उमरा यात्रा का पुलिस वेरिफिकेशन कराने पहुंची एक महिला की दरोगा की सरकारी पिस्टल की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है महिला पुलिस वेरिफिकेशन कराने गई हुई थी, दरोगा पिस्टल को कॉक कर रहे थे तभी उनके सिर के नीचे माथे में वह गोली जा लगी। महिला का गंभीर रूप से महिला घायल हो चुकी है। जैन मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज कर रहा है। जब इस डॉक्टर के पैनल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि महिला की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनी हुई है। 16 से 22 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकेगा कि महिला खतरे से बाहर है कि नहीं। जब इस मामले में SSP कलानिधि नैथानी से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो दरोगा है वो 3 महीने पहले ही आगरा से अलीगढ़ आए थे, आमद कराए, तो उनको भोजपुरा चौकी इंचार्ज नियुक्त किया गया था। फिलहाल उनको निलंबित कर दिया गया है। SSP का कहना है कि अगर तैयारी आती है तो उस आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह।